एक दिन एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ प्यार और मोहब्बत में क्या फर्क होता है। माँ ने प्यार से हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे प्यार वह है जो मैं तुझसे करती हूँ, मोहब्बत वह होगी जो तू किसी से करेगा। लड़के ने सोचा, फिर माँ आपसे वादा करता हूँ मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगा। वक्त बीतता गया और एक लड़का जवान हो गया। एक दिन उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने उस लड़की से वादा किया, वह कभी भी उसे नहीं भूलेगा। लड़का कहता है, मैं अपनी जान दे दूंगा पर तुम्हें नहीं भूलूंगा। फिर उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद एक दिन लड़के की माँ और बीवी बहुत बीमार हो गई। लड़का उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ और बीवी की एक एक किडनी खराब हो गई, तुम अपनी माँ और बीवी में से किसी एक को अपनी एक किडनी देकर बचा सकते हो। कुछ दिनों बाद जब लड़के की माँ और बीवी ठीक हो गई तो वह डॉक्टर से पूछती हैं, हमें किडनी किसने दी। डॉक्टर बीवी से कहती है, आपको किडनी आपके पति ने और आपको किडनी आपके बेटे ने दी। माँ ने रुबाह किया और मन में अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। वह लेटर जो उसे डॉक्टर ने दिया था उसे खोला और पढ़ा। लेटर में लिखा था, माँ मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता था। और माँ आपने मुझे जन्म दिया तो मैं कैसे आपको मरते हुए देख सकता था। माँ मैंने अपना वादा पूरा किया है और माँ जब भी आप मेरी कब्र पर आएंगी तो आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, आपका प्यार अभी जिंदा है। जब माँ ने यह शब्द पढ़े उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पत्र को गले लगा लिया और कहा, तू मेरे लिए सबसे प्यारा है और तेरी मोहब्बत ने मेरे दिल को छू लिया है। इस कहानी के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है कि माँ बेटे के प्यार और सम्मान की कोई मिसाल नहीं होती। जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हम उनके लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार रहते हैं। माँ का प्यार बेशक अनमोल होता है और वह हमें सही राह दिखाता है। हमें अपने माँ के साथ समय बिताना और उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहने से हमारे जीवन को सच्ची खुशियों का आनंद मिलता है। ये कहानी हमें एक प्यार भरी महसूस करते हुए छोड़ देती है कि माँ के प्यार और सम्मान की कोई मिसाल नहीं होती। जब हम प्यार के साथ रिश्ते बनाते हैं तो हमें जीवन के सभी मोड़ों पर एक दूसरे का साथ देने का संकल्प होता है। माँ का प्यार अनमोल होता है और वह हमें हमेशा सही राह दिखाती है। अपनी माँ के साथ समय बिताने का सौभाग्य मिलता है और उनके साथ खुशियों का आनंद उठाना वास्तव में अनुपम अनुभव है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको रोचक कहानियाँ और उपयोगी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूँगा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और आप पेज को लाइक करने के लिए भी धन्यवाद।
एक बार फिर से मेरी ओर से आपको धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। हम जल्द ही मिलेंगे।